ओम शांति। आज 7 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास चल रहा था। रिकॉर्ड था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मीठे मीठे बच्चे बाप को कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो कहीं दूर दुनिया में चलने वाले रूहानी बच्चों के प्रति बाप गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि हम बरोबर कहीं दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम ही दूर देश है। स्वर्ग कोई दूर नहीं है, स्वर्ग तो इसी दुनिया में होगा और शांति धाम तो सूरज चांद सितारों से भी पार है। शांति धाम दूर है जहां से हम आत्माएं आती हैं, वो है मूल वतन और ये है स्थूल वतन। वो है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बगैर तो कोई ले नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाप का घर है, आत्माओं का घर है और आत्माओं के बाप का घर है। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सेवा कर रहे हो। ये रूहानी सेवा किसने सिखाई? दूर ले चलने वाले बाप ने सिखाई। ये रूहानी सेवा करके तुम कितनों को ले जावेंगे? अनगिनत आत्माएं हैं। क्यों अनगिनत आत्माएं क्यों बता दी? क्योंकि मनुष्य आत्माओं की तो संख्या बताई हुई है, 500-700 करोड़ है, लेकिन मनुष्य आत्माएं ही थोड़े ही सृष्टि पर हैं सिर्फ। और भी दूसरे दूसरे प्राणी तो इस सृष्टि पर हैं ना, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर भांति भांति के प्राणी हैं। सबके अंदर आत्मा होती है, तो सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके वापस जावेंगी। इसलिए बोला कि अनगिनत आत्माएं हैं। एक पंडे की तुम सब बच्चे भी हो, तो तुम सब बच्चे भी पंडे हो गए। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव, वैसे पंडे के बच्चे पांडव कहे जाते हैं। तो तुम पांडव सेना हो। तुम बच्चे हर एक को दूर ले चलने के लिए युक्ति बताते हो। दूर ते दूर परे ते परे है परम धाम। बुद्धि का रास्ता बताते हो। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है।
मन बुद्धि जब दूर ते दूर देश में परम धाम में सेट हो जाती है, तो जैसे कि आत्मा परम धाम वासी हो गई। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेते हो, परंतु 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो परम धाम की स्थिति का अनुभव इस दुनिया में नहीं कर सकेंगी। तो उनको रूहानी बच्चे नहीं कहेंगे। रूहानी बच्चे वो हैं जो अभी अभी जीवन रहते रूह की स्टेज में अपने पुरुषार्थ से स्थित हो जाते हैं। रूह रूहानी बाप के बच्चे हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। अगर कम जन्म लेने वाली है तो जरूर उनमें कुछ न कुछ देहभान रह जाता है। देहभान रह जाने के कारण बलब 83-82 जन्म भी लेती हैं, तो भी द्वापर युग से दूसरे दूसरे देहधारी धर्म पिताओं के चक्करी में आ जाती है, उनसे प्रभावित हो जाती है, उनकी प्रजा बन जाती है। प्रभावित माना प्रजा। तो आत्माभिमानी पूरे नहीं बन पाते, क्योंकि ज्यादा संग लिया उन्होंने उन देहधारियों का। तुम बच्चे उन देहधारियों से प्रभावित नहीं होते हो, इसलिए तुम हो पक्की पक्की आत्मा, रूह, रूहानी बाप के बच्चे। रूहानी बाप के सिवाय और तुम किसी से नहीं सुनते हो। जैसे वो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं तो तुम्हारी बात नहीं सुनती है। समझती भी हैं कि ये ज्ञान सच्चा है, जान लेते हैं कि इस ज्ञान में ताकत है, फिर भी कहते हैं कि हमारे गुरुजी जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। इसका मतलब वो रूहानी बाप के बच्चे हैं या देहाभिमानी धर्मगुरुओं के बच्चे हैं? धर्मगुरुओं के बच्चे हैं। तो बाप कहते हैं तुम हो मेरे रूहानी बच्चे, तो दूर चलने के लिए ले जाने के लिए बाप तुमको जो युक्ति बताते हैं वो युक्ति तुम्हारी बुद्धि में पहले बैठती है। युक्ति बताते हैं मन मना भव, मन मना भव तीन अक्षर है, तीनों के अर्थ हैं। मन मना मन को, मना माने मन में, मेरे में, भव मन समाधि। अपने मन के अंदर जो भी तुम्हारे संकल्प चलते हैं उन संकल्पों विकल्पों को मेरे संकल्पों में रमण करा दे, समा दे। माना संकल्प मात्र भी तुम्हारे अंदर कोई विपरीत संकल्प नहीं आना चाहिए। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। कर्मणा से विपरीत कर्म करना वो तो बहुत दूर की बात है। बाप एक कर्म करना चाहता है, कराना चाहता है, और बच्चे दूसरा कर्म करते हैं तो कहेंगे नहीं कि ये मनमना भव है, जरूर कहेंगे इसमें देहभान है। रूहानी बाप का रूहानी बच्चा नहीं कहेंगे।
तो तुम बच्चे ये पढ़ाई पहले धारण करते हो। और दुनियावी धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं वो इन बातों को बाद में धारण करेंगे। मानना तो सबको पड़ेगा कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, रूहानी बाप के बच्चे हैं। लेकिन जो सहज सहज मानते हैं वो हैं बाप के डायरेक्ट बच्चे, पूरे 84 के चक्र में आने वाले, ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले। और जिनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठता है, या बाद में बैठता है, या मजबूरी से बैठता है, वो देह अभिमानी बाप के बच्चे हैं। सब धर्म पिताएं देह अभिमानी हैं। एक बाप है रूहानी बाप, उसको देह अभिमानी बाप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो देह में आते हुए भी देह भान में फंसता नहीं, वो अभुक्ता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, किसी शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बावजूद भी उसको संकरंग नहीं लगता, और सब मनुष्य आत्माओं को संकरंग लगता है। तो बाप भी हमको यही सिखाते हैं, मन मना भव, मेरे में समा जा। जैसे चुल्लू भर पानी है सागर में डाल दिया तो सागर में समा गया, सागर में समा गया माने सागर हो गया। तो तुम अपने मन के संकल्पों को मेरे में समा देंगे तो तुम बाप समान बन जाएंगे। पूरे कल्प में तुम जितनी आत्म के स्टेज में रहेंगे, रूह का सुख भोगेंगे, उतना दुनिया में कोई धर्म की आत्मा है उतना सुख नहीं भोग सकेंगे। तुम्हारा है 3/4 सुख, और धर्म वालों का है आधा सुख आधा दुख। तुम ज्यादा से ज्यादा 1/4 दुख भोगते हो, उसमें भी नंबरवार बच्चे हैं। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने संगम युग में जब बाप आया तो उन आत्माओं ने आत्मिक स्थिति की ज्यादा प्रैक्टिस की। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप समान स्टेज को जल्दी प्राप्त करते हैं। तो बाप बताते हैं मन मना भव, बाप को तो याद करो। कहते भी है ना, इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। क्यों ले चलो? क्योंकि कितना भी पुरुषार्थ करते हैं तो भी इन देह अभिमानी सांडों का संग का रंग लग ही जाता है। तुम हो मुट्ठी भर बच्चे जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हो। 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं, वो तो आसमान के जड़ सितारे हैं। तुम हो इस दुनिया के, इस धरती के चैतन्य सितारे। उन चैतन्य सितारों का गायन है 9 लाख। उन 9 लाख में भी कोई रात में चमकते हैं और कोई दिन में होते। ऐसे नहीं कि दिन में सितारे होते नहीं है, दिन में भी सितारे होते हैं, लेकिन वो दिन के सितारे सूर्य में अपने प्रकाश को मर्ज कर देते हैं। जो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आया हुआ है उसमें अपने को मर्ज कर देना माना अपने स्वभाव संस्कार सब मर्ज कर देना, बाप में समय जाना। संकल्प मात्र भी कोई विरोधाभास नहीं,
जो बाप जैसे चलाए, जहां ले जाए, जो खिलाए जो पिलाए, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना। उनको कहेंगे मनमना भव, कोई अलग से इच्छा नहीं, जो बाप की इच्छा सो बच्चों की इच्छा। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कहीं दूर ले चल, इसे पुरानी दुनिया में, दुख की दुनिया में कहते हैं कि दूर ले चल। क्यों नई दुनिया में क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां दुख नहीं होता। दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां विधर्मी आत्माओं का संग नहीं लगता, जो हमको बार बार अपने देह अभिमान की तरफ आकर्षित कर लेती है, प्रभावित कर लेती है। उनके संग का रंग हमको लग जाता है। हम कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हुजूम के हुजूम ये जो विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो हमारी अवस्था को खराब कर देती है। तो बच्चे कहते हैं दूर कहीं ले चल, अभी कहते हैं सत्युग में नहीं कहेंगे। यहां तो है ही रावण राज्य। राज्य किसका? रावण का। रावण माने रुलाने वाला। तो जिसका राज्य, उसके राज्य में फिर चलना पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा। हमारी भी वैसी रोने वाली स्टेज होती रहती है। तो कहते हैं इस रोने रुलाने वाली दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहां चैन हो। चैन माना शांति हो, आत्मा अशांत महसूस न करे। इसका नाम ही है दुख धाम। काहे का धाम? दुख का धाम। धाम माना घर। ये दुख का घर है ये दुनिया। इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। देह का सुख है, वो भी क्षण भंगुर सुख है। और अभी तो देह में भी शक्तियां नहीं रह गई, देह सब विकारी होती चली जाती है। विकारी शरीर अशक्त तो होता जाता है। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, एक भी ऐसा नहीं है जो वानप्रस्थ अवस्था में न रहा हो। वानप्रस्थ अवस्था माना अब बूढ़े हो चुके, शरीर भी तामसी बन गए और आत्मा भी तामसी बन गई। अब बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। क्या यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, कोई धक्का खाने की बात नहीं है। कौन धक्का नहीं खिलाते? बाप धक्का नहीं खिलाते। भाग दौड़ करने की बात नहीं है। एक बार परिचय मिल गया तो कहीं भी निश्चय बुद्धि होकर के बाप को याद करते रहो, वातावरण सुधरता रहेगा। वातावरण सुधरेगा, पवित्र वातावरण बनेगा, तो अपवित्र आत्माएं स्वतः ही आकर के शांति और सुख की भीख मांगेंगी। भक्ति मार्ग में तुम बाप को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते रहे, इतना ढूंढा तीर्थ ठिकानों में मंदिरों में, कहीं प्राप्त नहीं कर सके। बाप खुद कहते हैं मैं तो बहुत गुप्त हूं, इतना गुप्त हूं कि मेरे को कोई इन स्थूल आंखों से देख भी नहीं सकते। बल कितने भी दुनिया में धक्के खाते रहे, इन आंखों से मेरे को कोई नहीं देख सकता। इसलिए कहते हैं कि यहां दर्शन करने की बात नहीं है। कोई कहते हैं
हम तुम्हारे गुरु जी के दर्शन तो कर लें। तो उनकी बुद्धि में बात बैठी नहीं है। ये धक्के खिलाने वाला गुरु नहीं है, दर्शन करने वाली बात ही नहीं है, वो तो ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्मा है ज्योति बिंदु, बाप भी ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु का बड़ा आकार बनाई दिया है सेवा पूजा करने के लिए, नहीं तो पूजा कैसे करें? भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। किसकी याद? असली स्वरूप की याद। असली स्वरूप क्या है? मेरी आत्मा का असली स्वरूप भी ज्योति बिंदु है। लेकिन पता कैसे चले? सभी मनुष्य आत्मा तो ज्योति बिंदु है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल है? तो बताते हैं, मैं मुकर्रर रथ में आता हूं। जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उस मुकर्रर स्वरूप को पहचान लिया तो जैसे शिव बाबा को पहचान लिया। कैसे पहचानेंगे? कोई कह दे कि वो मुकर्रर स्वरूप है, वो राम वाली आत्मा है जिसमें भगवान बाप आते हैं, तो मान लेंगे क्या? जो मान लेंगे वो हैं भगत। अंधश्रद्धा से मान लिया, आज कहेंगे ये भगवान है, और कल परीक्षाएं आएंगी जोर से तो कहने लगेगी ये शैतान है। तो बाप आकर शैतान की भी पहचान देते हैं और भगवान की भी पूरी पहचान देते हैं, माया की भी पहचान देते हैं, मायापति की भी पहचान देते हैं, दोनों की पहचान देते हैं। वो ज्ञान से ही हो सकती है। ज्ञान के आधार पर जानकारी होती है। ज्ञान माने ही जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सत्य को ही गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो ही शिव है, जो झूठ है वो शिव नहीं हो सकता, कल्याणकारी नहीं हो सकता, जो कल्याणकारी नहीं हो सकता वो सुंदर भी नहीं हो सकता। कितना भी रूप स्वरूप में देखने में शोभायमान हो, लेकिन अगर अकल्याणकारी है, विश्व का कल्याणकारी नहीं है, तो वो शिव नहीं हो सकता, भगवान का बच्चा नहीं हो सकता। तुम भगवान के बच्चे हो, तुम सिर्फ अपना कल्याण नहीं चाहते हो, सारे विश्व का कल्याण चाहते हो। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आत्मा स्वर्ग में जाएगी तो मैं नहीं स्वर्ग चाहिए, ये पार्टी है, वो पार्टी है, नहीं। कोई भी आत्मा हो, तुम सबका कल्याण चाहते हो। एक का भी अगर अकल्याण चाहने वाला है तो उसको विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे। एक आत्मा को भी विश्व में से अलग नहीं किया जा सकता। हर आत्मा का पार्ट मुकर्रर है, कोई भी आत्मा का पार्ट निकाला नहीं जा सकता। तो मैं कहता हूं कि मुझे पहचानने के लिए तीसरी आंख चाहिए, इसलिए मैं त्रिनेत्री में प्रवेश करता हूं। वो एक ही देवता है जो तीन नेत्रों वाला दिखाया जाता है, शंकर। जो दो नेत्र हैं वो दो विशेष आत्माओं की यादगार है, राम और कृष्ण। और तीसरा नेत्र जो खड़ा हुआ है वो शिव नेत्र की यादगार है। शिव
सदैव पुरुषार्थ में इस सृष्टि पर आकर के खड़ा रहता है और बच्चों को भी खड़ा करता है। बच्चे पड़े हुए हैं, स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकते, बाप के सहयोग के बगैर दौड़ नहीं सकते। कोई बच्चों में अहंकार आ जाता है कि सेवा हम करते हैं, बाप समझाते हैं तुम तो तमो प्रधान आत्मा हो। तमो प्रधान आत्मा को तो अपनी ही विकारों की रग लगी रहती है, वो किसी की क्या सेवा करेगा। जो खुद निर्विकारी हो वो दूसरों को निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ कराएगा। इस दुनिया में सब विकारी हैं, इस दुनिया में सब झूठे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो बताता हूं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उसके द्वारा सत्य पाठ बजाता हूं। सत्य बोलना, सत्य खाना, सत्य चलना। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, कहते हैं ना, पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी सत्ता ही सच्चा ही रहेगा। सच्चा कभी झूठा नहीं हो सकता। सच्चे को कोई कितना भी झूठ बनाना चाहे, सच्चाई एक दिन सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। तो वो सत्य बाप पहले इस सृष्टि पर आकर के नम्र रूप में पार्ट बजाता है, बहुत नम्रता से पार्ट बजाता है। बच्चों को बार बार बोलता है, बच्चे नहीं मानते हैं तो भी अहंकार नहीं, निरहंकारी बाप है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार, बार बार बच्चों से गलतियां होती हैं, बाप उनको सुधारने की कोशिश करता है। वो माँ का पार्ट कब तक चलता है? जब तक विष्णु का पार्ट शुरू न हो जाए। माना जब तक नई दुनिया की स्थापना न हो जाए तब तक नम्रता का पार्ट चलता रहता है। पहले पूरा पूरा नम्र, लव फुल पार्ट, और बाद में थोड़ा नम्र और थोड़ा कठोर, वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में। आधा पुरुष आधा स्त्री, स्त्री चोला माना ब्रह्मा की सोल कोई पुरुष तन में प्रवेश करती है, और ज्ञानसूरी भी उसमें प्रवेश करता है, शिव भी प्रवेश करता है। तो ज्ञान सूर्य जिस तन में प्रवेश करता है वो पुरुष पार्ट हुआ, क्योंकि कोई नरतन में ही प्रवेश करता है। और ब्रह्मा की सोल जिस तन में प्रवेश करती है वो चंद्रमा के रूप में शीतल पार्ट बजाने वाली दिखाई जाती है। मस्तक के ऊपर चंद्रमा दिखाते हैं, दोनों ही आत्माएं प्रवेश हैं, चंद्रमा भी प्रवेश है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, और शिव ज्ञान सूर्य भी प्रवेश है। एक है तीखा और एक है मीठा, दोनों का साथ साथ पार्ट चलता है। अभी 70 साल होने जा रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की सोल अभी भी मां के रूप में प्यार का पार्ट बजाए रही है, समझाते ही रहते। कोई बच्चा कितना भी दुष्ट संकल्प करने वाला हो, दुष्ट वाचा बोलने वाला हो, दुष्ट कर्म करने वाला हो, फिर भी उन बच्चों को रहम की दृष्टि से देखते हैं। फिर तीसरा रूप आता है सदगुरु का, मां के रूप में भी टीचर बनता है, ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी सुप्रीम टीचर बनता है, लेकिन प्यार से पढ़ाता है।
फिर तीसरा रूप जो कठोर रूप है वो उन आत्माओं के लिए है जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी बीज रूप आत्माएं हैं जिनका छिलका बहुत कड़ा है। कोई बीज होते हैं मोटे छिलके वाले होते हैं, कड़क छिलका होता है। कोई बीज होते हैं पतला छिलका होता है, हल्का छिलका होता है, जल्दी उतर जाता है। तो जो बाप के रूहानी बच्चे हैं, रूह की स्टेज में रहने वाले हैं, वो सारी दुनिया के बीज हैं, माना सारी दुनिया के बाप हैं। उन आत्माओं में सूर्यवंशियों के भी बाप हैं, जो सूर्यवंशी प्रजावर की आत्माएं हैं उनके भी बाप हैं, चंद्रवंशियों के भी बाप हैं, उन बीजरूप आत्माओं में ही हैं। इस्लाम वंशियों के भी बाप हैं वो बीज, जो रूहानी स्टेज में अंत में टिकेंगे। बौद्ध वंशियों के भी हैं, क्रिश्चियन वंशियों के भी हैं। हर धर्म की बीजरूप आत्माएं उन 4.5 लाख में मौजूद है। तो हर धर्म की बीज रूप आत्माओं का फाउंडेशन जैसे कि पहले जन्म से ही पड़ जाता है, लेकिन बीज अपने अपने टाइम पर जब समय आता है, मौसम आता है, तो उगता है। हर एक बीज हर एक मौसम में नहीं उगता। ऋतुएं होती है ना, ऐसी ये बीज रूप आत्माओं की भी अपनी अपनी ऋतु है। जब 1250 वर्ष शुरुआत में सृष्टि चलती है, सतो प्रधान सतयुग की सृष्टि चलती है, तो सूर्यवंशी आत्माएं ही जन्म लेती है। सूर्यवंशी बीजों के द्वारा ही उनकी उत्पत्ति होती रहती है, परमधाम से उतरती है और सूर्यवंशी पार्ट बजाती है। 16 कला संपूर्ण से लेकर 14 कला संपूर्ण तक भी, और जैसे ही त्रेता युग शुरू होता है और परमधाम से चांदी जैसी आत्मा उतरना शुरू होती है, तो उनके भी बीज हैं। वो बीज रूप आत्माएं 16 कला संपूर्ण भले न बने, लेकिन 14 कला से लेकर के 8 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं वो भी त्रेता में उतरती हैं। तो वो जो त्रेता में उतरती हैं वो चांदी जैसी आत्माएं हैं, लेकिन उनके बीज पहले से ही इस सृष्टि पर मौजूद होते हैं। माना पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं। तो वो बीज जब त्रेता में आते हैं तो वो चंद्रवंशियों के साथ मिक्स हो जाते हैं। जो चांदी जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं परमधाम से उतरती हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही द्वापर में होता है। जो इस्लाम वंशी आत्माएं हैं बीज रूप, वो इस्लाम वंशी आत्माएं उस धर्म में मिक्स तो नहीं होती, लेकिन जो ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं उनको जन्म देने के निमित्त बन जाती है। जैसे सिद्धार्थ की आत्मा ने राजा शुद्धोधन से जन्म लिया, तो ये जो संबंध बना इसका फाउंडेशन कहां पड़ा होगा? संगम युग पर फाउंडेशन पड़ता है। संगम युग पर इस समय बहुत ध्यान देना है कि हम कैसे संग का रंग लगाए रहे। श्रेष्ठ संग है
बाप के संबंध के आधार पर हमारा संबंध जुड़ रहा है। जिन आत्माओं से बाप का संबंध नहीं है उन आत्माओं से तो कहीं मेरा संबंध नहीं जुड़ रहा है। जिनका बाप से संबंध है उनका हमारे साथ संबंध होना चाहिए। जिन आत्माओं का बाप से डायरेक्ट संबंध नहीं उनसे हमारा संबंध नहीं जुटना चाहिए। अगर जुड़ता है तो वो आत्माएं अगले जन्मों में द्वापर युग से हमारे संसर्ग और संपर्क और संबंध में जरूर आवेंगी, और आवेंगी तो उनके संग का रंग हमको लगेगा। भले शुद्धोदन से सिद्धार्थ जन्म लेता है और सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध की सोल प्रवेश करती है, और शुद्धोदन राजा जो है वो अपने बच्चे से प्रभावित नहीं होता, धर्म में कन्वर्ट नहीं होता, बौद्धि धर्म नहीं अपनाता, लेकिन वो सिद्धार्थ जिसमें महात्मा बुद्ध की सोल प्रवेश करती है वो प्रवेश करने वाली आत्मा, क्योंकि नई आत्मा उतरी है तो उस सिद्धार्थ के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ और पावरफुल पार्ट बजाती है को उसको शुद्धोधन राजा अपने देश से बाहर भी निकाल देता है तो भी विदेशों में जाकर के अपने धर्म का तेजी से प्रचार करती है। इतनी तेजी से प्रचार करती है कि चीन जापान जैसे देशों में जाकर के धर्म संस्था स्थापन कर देती है। देश देशांतर में उस बच्चे का नाम बाला होता है, शुद्धोधन राजा चमत्कृत हो जाता है कि मेरा बच्चा जिसे मैंने इस देश से बाहर निकाल दिया वो कितनी कीर्ति अर्जन कर रहा है, कितनी आत्माएं उससे प्रभावित हो रही है। तो शुद्धोधन जो बाप बना हुआ है, राजा बना हुआ है भारत के अंदर, उसके अंदर उस बच्चे के प्रति मोह का संबंध जुट जाता है, और वो मोह दो चार जन्म के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। कोई भी कर्म है अगर बहुत तीव्रता से किया जाएगा तो इस जन्म में भी फल दे सकता है और अगले जन्म में भी फल दे सकता है। अगर धीमी गति से किया जाएगा तो दो चार आठ जन्मों के बाद भी फल दे सकता है। तो शुद्धोधन राजा की वो बच्चे के प्रति मोह की वृत्ति दो चार जन्म के बाद बौद्धि धर्म में उसको जन्म दिला देती है। किसको? शुद्धोधन का जाकर के बौद्धि धर्म में जन्म हो जाता है। तो बौद्धियों के साथ जन्म होगा, बौद्धियों के घरों में जाके जन्म होगा, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। ये संग का रंग लगाने की शूटिंग कहां की होगी? संगम युग में यहां शूटिंग कर ली। अच्छा चलो, वो तो आधार मूर्त आत्मा है सिद्धार्थ, जो बीज रूप शुद्धोधन से जन्म लेती है। लेकिन जो बीज रूप शुद्धोधन है उसको भी तो कोई जन्म देने वाला बाप होता है। उसका बाप था राजा बिंदुसार। ये द्वापर युग की बातें हैं। उस समय बाप भी जिंदा रहता था बहुत वर्षों तक, और ग्रैंडफादर भी जिंदा रहता था। तो ग्रैंडफादर ने भी देखा कि मेरा पोतरा कितना महान मान मर्तव्य का अर्जन कर रहा है और मेरे बच्चे से पैदा हुआ, तो फख्र उनको भी आता है। बल्कि पोतरे की तरफ तो डाडे का ज्यादा ही प्यार जाता है, क्योंकि बाप अपनी मिल्कियत बच्चे को दे या ना दे, लेकिन डाडा माना ग्रैंडफादर अपने बच्चे को, अपने पोतरे को अपनी मिल्कियत का हिस्सा जरूर देने का हकदार बनाता है। इसलिए भारत में परंपरा है
कि बाप अपनी कमाई हुई संपत्ति बच्चे को दे या ना दे, ले दे, लेकिन डाडी की जो मिलकी है तो बाप को मिली हुई है, वो जरूर देनी पड़ेगी। तो जो ग्रैंडफादर बिंदुसार है उसकी वृत्ति उस पोत्र की तरफ जाती है, इस कारण उस बाप को भी माना ग्रैंडफादर बिंदुसार को भी वहां जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो धर्म पिता हैं वो प्रवेश करते हैं आधार मूर्तों में, आधार मूर्त उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आधार मूर्तों को जन्म देने वाले जो बीज हैं वो अलग अलग धर्मों के होते हैं और उन बीजों को भी जन्म देने वाला प्रजापिता है, वो सबका बाप है। इसलिए प्रजापिता को भी हर धर्म में जाना पड़ता है, लेकिन वो बीज रूप आत्माएं हैं इसलिए जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन ममता मोह हो जाता है तो अगले जन्म में जाकर के जन्म ले लेती है, उसको कन्वर्शन नहीं कहा जा सकता। इसलिए बाप कहते हैं धरत परिय पर धर्म न छोड़िए, माना शरीर भले छूट जाए धरणी पर गिर जाए लेकिन जीते जी अपने धर्म को छोड़ना नहीं है तो उसको कन्वर्ट होना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं विदेशी बनकर के आया हुआ हूं, क्या जो धर्म पिताएं हैं वो आधार मूर्तों में प्रवेश करते हैं, आधार मूर्त बीज रूप आत्माओं से जन्म लेते हैं और उन बीज रूप बापों को जन्म देने वाला एक बाप है जिसे सब बापों का बाप कहा जाता है, वो भी कन्वर्ट नहीं होता, उसके बीज रूप बच्चे भी कन्वर्ट नहीं होते लेकिन प्रभावित हो जाते हैं। माया ऐसी है जो किसी को छोड़ती नहीं है, संग का रंग सबको लगता है, कोई ऐसा अहंकार नहीं कर सकता कि मैं माया से कभी हार नहीं खाता हूं, क्यों? क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान, किसी को नहीं छोड़ती। ऐसे नहीं कि तथाकथित ब्राह्मण बोलते हैं अरे राम की आत्मा तो फेल हो गई, अरे राम की आत्मा फेल हो गई तो फिर कोई फेल होने से बचेगा क्या? कोई नहीं बच सकता। हाँ इतना अंतर जरूर है कि कोई शुरुआत के मासिक त्रैमासिक एग्जाम में फेल हो जाते हैं और फाइनल में पास हो जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं कि शुरुआत में पास होते रहते हैं और लास्ट में जाके सो जाते हैं, जैसे खरगोश और कछुआ की दौड़ कहानी दिखाते हैं, दोनों में दौड़ हुई तो कछुआ अपने धीमी धीमी चाल से दौड़ता रहा, खरगोश भी दौड़ा, उसको अहंकार आ गया, अरे ये क्या मेरा मुकाबला करेगा, तो थोड़ा दौड़ा और गर्मी आई तो झाड़ी में जाकर के आराम करने लगा कि अरे जब तक ये थोड़ा आगे जाएगा तब तक हम इसको क्रॉस कर जाएंगे, नींद आई तो बस गया। यहां भी बच्चों को नींद आती है, कुंभकर्णों का संघ लगा हुआ है 63 जन्मों का, वो संघ का रंग अपना प्रभाव दिखाता है। नहीं तो कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नींद नहीं आती है, ऐसे भी हैं या नहीं है? ऐसे भी हैं, पुरुषार्थ में कड़क रूप अपनाते हैं, कितने भी थके हुए होंगे लेकिन जब क्लास होगा
तो नींद नहीं करेंगे। तो ये क्या कारण है? उनको नींद आती है और उनको नींद नहीं आती, कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? जिनको नींद नहीं आती है, जिनको नींद नहीं आती है वो कोई से प्रभावित नहीं हुए हैं, या प्रभावित हुए भी हैं तो बहुत थोड़ा प्रभावित हुए। इसलिए जब प्रभावित ही नहीं होते तो संग का रंग भी नहीं लग सकता, और जो प्रभावित हो जाते हैं वो तो प्रजा बन जाते हैं। तो राजा तो पावरफुल होता है, यथा राजा तथा उससे प्रभावित होने वाली प्रजा। राजा जो भाषा अपनाएगा प्रजा को भी वो भाषा अपनानी पड़े। राजा जो कानून बनाएगा प्रजा को वो कानून मानना पड़े। तो बहुत संग का रंग लगता है। तो बहुत ध्यान रखना है पुरुषार्थी जीवन में कि हम एक से प्रभावित होते हैं या अनेकों से प्रभावित हो रहे हैं, एक की मत पर चलते हैं या अनेकों की मत पर चलते हैं। एक जो ऊंचे से ऊंचे है, श्री श्री 108 जगत गुरु, सच्चा जगत गुरु, झूठा नहीं, क्योंकि गुरुओं का टाइटल तो बहुत धराई लेते हैं, लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है। सिख लोग भी कहते हैं एक सतगुरु अकाल मूर्त। तो जब एक सतगुरु हुआ तो बाकी सब गुरु कैसे हो गए? एक है सतगुरु और बाकी झूठे गुरु। तो जो है ही झूठे गुरु, उन देहधारी गुरुओं के चक्कर में क्यों फंसना चाहिए? जो एक सच्चा है उसी को पकड़ के रहना है। जानते भी हैं कि एक से एक बढ़कर के ऊंचे पाठधारी हैं, लेकिन भगवान सबसे ऊंचा पाठधारी है। उससे ऊंचे तो ऊंच कोई होता ही नहीं, लेकिन फिर भी चक्करी में फंस जाते हैं। हनुमान के भगत हैं, हनुमान की पूजा करेंगे। हनुमान राम की पूजा करेंगे, राम शंकर की पूजा करेंगे और शंकर शिव की पूजा करेंगे। अरे तो एक ही ऊंचते ऊंच को क्यों ना पकड़ लो? जानते तो हैं, फिर भी जानबूझ करके संग के रंग में आ जाते हैं। और ऐसे संग के रंग में आते हैं कि जैसे भगवान के लिए कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, सारे संबंध है आपस में ही जोड़ना शुरू कर देते। तो आपस में ही जब संबंध जोड़ेंगे संगम युग में तो कमजोरी आएगी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होगी या चार्ज होगी? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। ये देह की जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियों का, इंद्रियों से जब संग होता है देहधारियों के साथ तो बैटरी जरूर डिस्चार्ज होती है। जैसे कोई बैटरी में से वायर निकाले जाते हैं और उन वायर्स का कनेक्शन खाली बैटरी के साथ कर दिया जाए तो बड़ी बैटरी में कितनी भी पावर भरी हुई हो वो पावर डिस्चार्ज हो जाएगी। ये भी हमारी भी आत्मा रूपी बैटरीज हैं। ये आत्मा रूपी बैटरीज एक पावर हाउस से डायरेक्ट संग के रंग में आनी चाहिए। एक से सुनो, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे वैश्या व्यभिचारी होती है या आप व्यभिचारी होती है? वैश्या व्यभिचारी होती है।
तो उसमें चरित्र की पावर नहीं होती, प्योरिटी की पावर नहीं होती। वैश्या के मुख से निकले हुए महावाक्य वो असर नहीं करते। और कोई सधवा हो, एक पतिव्रतधारी हो, कभी अपवित्र बनी नहीं हो, तो उससे उसके मुख से जो भी वाक्य निकलेगा वो सत्य साबित हो जाता है। सती सावित्री कही जाती है। तो प्योरिटी में बड़ी ताकत है। जन्म जन्मांतर का भाग्य अभी हम बना सकते हैं और अभी बिगाड़ सकते हैं। एक बाप को पहचाना तो उस एक पर ही नुछावर जाना चाहिए, एक ही मत पर चलना चाहिए, एक का ही ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से हम क्यों सुने? दूसरे दूसरे धर्म पिताएं अपने फॉलोअर्स को इस बात में बहुत पक्का कर लेते हैं। क्या दूसरे दूसरे धर्म पिताएं अपने फॉलोअर्स को इतना पक्का करते हैं कि कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी बौद्धी, कोई भी मुस्लिम कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होता। और उसकी शूटिंग कहाँ हो रही है? संगम की, ब्राह्मणों की दुनिया में अभी शूटिंग भी हो रही है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, उनको कितना भी समझाने की कोशिश करो लेकिन वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। साफ कह देते हैं, हम आपकी कोई बात सुनने वाले नहीं। या तो हमको हमको ज्ञान की बातें नहीं सुनाना, हम ज्ञान आपसे नहीं सुनेंगे। हमको जो दीदी दादियां दादाएं सुनाते हैं हम वो ही सुनेंगे, और किसी की बात मानने वाले नहीं है, इतने पक्के होते हैं। और ये बीज रूप आत्मा ये संग के रंग में आती रहती है, नंबरवार बीज हैं। वो बीज रूप आत्माओं में सिर्फ 10% ऐसी हैं जो दूसरों के प्रभाव में नहीं आती, अपने धर्म की पक्की है। माने ज्ञान सूर्य को ही फॉलो करेंगी और किसी दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, तो जरूर उनमें पावर रहेगी। लेकिन उनमें भी नंबर वार है। जो ज्ञान सूर्य का पार्ट है, जो पहले पहले भगवान से ज्ञान सुनता है और डायरेक्ट सुनता है, आदि में भी सुनता है, मध्य में भी सुनता है और अंत में भी विजयी होता है, तो वो हीरो पार्टधारी आत्मा कम से कम माया के चंबे में आती है। आदि में चंबे में आती है और अंत में पूरी विजयी होती है। बाकी सब नंबर वार है। जो नंबरवार हैं उनमें फिर देवान का छिलका भी नंबरवार चढ़ता है। सब बीज, उन 4.5 लाख बीजों में ऐसा कोई नहीं है जिसका छिलका इस संगम युग में ज्ञान दंडों से न उतर जाए। इसी जन्म में उनको संपूर्ण बनना है, अगले जन्म में नहीं। अगले जन्म में तो कोई भी आत्मा संपूर्ण नहीं बनेगी। 8 ऐसे हैं जिन्हें डंडे खाने की भी दरकार नहीं पड़ती, धक्के खाने की भी दरकार नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने एक को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक में ताकत रहती है। अनेकों के संग के रंग में जाने से ताकत छीण हो जाती है। इतनी ताकत रहती है के संग के रंग में कि दुख दुख अनुभव ही नहीं होता,
समस्या समस्या का रूप अनुभव नहीं होता, जैसे कि बाप अपनी गोदी में लेकर के चलता है। दूसरी आत्मा ये समझती है बाप रे कितना दुख सहन करना पड़ता है। रामायण जब पढ़ेंगे तो कोई कोई रामायण पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर देते हैं, अरे बाप रे राम को इतने दुख, हमारे राम भगवान इतने दुखी होते हैं। अरे थोड़ा अंदर से सोचो, वो राम की आत्मा दुखी होती है कि तुम ही दुखी हो रहे हो, हैं? राम की आत्मा को तो दुख भासता नहीं और तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तो एक की बात है, एक में अपने मन को रमण करना चाहिए। मन एक में तिरोहित होगा, एक में मन मना भाव होकर के रहेंगे तो तन और धन भी वहीं जाएगा, दूसरी जगह तन और धन जा नहीं सकता। जिसका दिल जहां लग जाता है, कोई लवर्स होते हैं ना, तो महबूबा का दिल महबूबा में लग जाता है तो वो अपने सारी धन की ताकत कहां लगा देता है? महबूबा में लगा देता है, भले शादीशुदा हो, घर में कितनी भी सुंदर औरत बैठी हुई हो, लेकिन अगर किसी दूसरे से उसका दिल लग गया तो सारा कमाया हुआ धन कहां फेंकता है? वहीं फेंकता है, धन भी फेंकता है और तन की ताकत भी वहीं लगाता है। तो जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा और वहीं हमारा धन होगा। इसलिए मन बुद्धि को अगर चेंज कर दिया, मोल्ड कर लिया, तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक मोहब्बत से काम करना और दूसरा मजबूरी से काम करना। मोहब्बत हो जाती है तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, कहानियां बना दी है कि सीरी को पाने के लिए फरियाद ने पहाड़ काट करके नदी निकाल ली। अब पहाड़ काट के नदी थोड़े ही निकाली जाती है, माने पहाड़ जैसा जो काम है वो काम भी पूरा कर लिया और ज्ञान जल निकाल करके सारे संसार में बहा दिया। शास्त्रों में दिखाते हैं कि बड़े लंबे समय तक तपस्या की तो गंगा ऊपर से नीचे आई, नीचे तो आई लेकिन कहां समा गई? शंकर की जटाओं में समा गई, तो आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब हम बच्चे जानते हैं कि ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे आई और आकर के कहां समा गई, कब समा गई? हैं? ज्ञान गंगा ऊपर से आई नीचे और समा गई, कहां समा गई? हैं? शंकर की जटाओं में समा गई, शंकर की जटाओं में समा गई। अब फिर उनको तपस्या करनी पड़े तो फिर दोबारा तपस्या करते हैं, दोबारा तपस्या करते हैं, तब गंगा जटाओं से इस सृष्टि पर आती है। तो अभी भी ज्ञान गंगा की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। अगर ज्ञान गंगा की प्रत्यक्षता हुई हो तो उत्तर भारत के लोग जरूर समझ जाएंगे। अभी भी जटाओं में घूमड़ रही है, जैसे जटाएं होती है ना, बड़े बड़े साधु संत होते हैं अपने आर्टिफिशियल जटाएं बनाते हैं, वो एक दूसरे से बाल चिपके हुए होते हैं, सुलझे हुए नहीं होते हैं। तो जटाओं में गंगा हिलगी हुई है। अभी भी एडवांस ज्ञान में ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है,
जब ज्ञान गंगा निकलेगी तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी, पुरुषार्थ ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन नियम बना हुआ है, पहले यमुना निकलती है, फिर पहले पहले सूर्य की पुत्री यमुना निकलती है, उसके बाद बीच में सरस्वती आती है, सरस्वती बीच में आती है, बीच में ही चली जाती है, गुप्त हो जाती है, और लास्ट में गंगा निकलती है, अंत में निकली है ज्ञान गंगा। तो हर हर गंगे हो जाती है। तो सर के ऊपर धारण किया जाता है, क्यों? पार्वती को गोद में बैठाया और गंगा को सर के ऊपर क्यों बैठा लिया? चंद्रमा को भी मस्तक पर बैठाया, सर के ऊपर नहीं चढ़ाया, मस्तक में थोड़ा नीचे दिखाते हैं, और गंगा को एकदम सर के ऊपर। तो कोई कारण रहा होगा ना। फिर गाते हैं राम तेरी गंगा मैली, अरे कब मैली? सागर से कनेक्शन है तो मैली, या सागर से कनेक्शन टूटा हुआ है तो मैली? ज्ञान सागर से कनेक्शन नहीं होता है तो नदी नाला बन जाती है, सागर से कनेक्शन होता है तो नदी पतित पावनी बन जाती है। वो भी भारत की नदियों का गायन है, भारत में भी दक्षिण भारत की नदियों का गायन नहीं है पतित पावनी, किसका गायन है? उत्तर भारत की नदियों का गायन, भारत की महिमा है। विदेशी नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाता, भक्ति मार्ग में कोई विदेशी नदियों में स्नान करने के लिए मेले लगाते हैं? नहीं लगाते, नदियां तो विदेशों में भी है, वहां क्यों नहीं स्नान करने जाते? क्योंकि विदेशों में ऐसा तो नहीं है कि विदेशों से नदियां नहीं निकलती ज्ञान वाली, निकलती हैं या नहीं निकलती हैं? निकलती तो हैं, लेकिन वो सर के ऊपर सवार होने योग्य पुरुषार्थ नहीं करती। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, बहुत सर्विसेबल होता है, तो बाप उसको प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं। ओम शांति।